आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई 2024 सोमवार की सुबह 10:26 से हो जाएगा, जो कि 2 जुलाई 2024 मंगलवार की सुबह 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी वो 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णवों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन ही सभी के लिए एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य रहेगा एवं इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 3 जुलाई 2024 बुधवार की सुबह 5:54 से लेकर के 7:54 तक उनको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या बुधवार का व्रत है, तो ऐसे में फल, जल, फलाहारी वस्तु या तुलसी जी के पत्ते से व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक वर्ष में 26 एकादशी नहीं आती है, केवल 24 एकादशी आती है, लेकिन अधिक मास होने से 2 अधिक एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 1 जुलाई सोमवार को करना है, वहीं 2 जुलाई को एकादशी का व्रत करना है तथा 3 जुलाई को द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराए अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन करके मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार चंदन, केसर, कुमकुम, हल्दी, भस्म या जल का तिलक लगा करके और भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो हम जो संकल्प बोल करके आपको सुना रहे हैं उसको सुनते हुए आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनी भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन व्रत रह करके, निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप बोल देंगे तो भी आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। लेकिन आपके यहां संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके एक थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जव, तिल, तुलसी जी का पत्ता, सुपारी और कुछ पैसे रख करके
संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प धारण करने की जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार रहती है। हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, अक्षत के स्थान पर जव या तिल रखे, पीले पुष्प इसमें रखना चाहिए, और यदि पीले पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो पीला चंदन या हल्दी या फिर आप केसर भी इसमें धारण कर सकते हैं। तीन बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही अध्याय एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भोम वासरान वितायाम्मा भरणी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्रीचंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्ठायाम शुभ पुण्य तिथौः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो कश्यप गोत्र या ब्रह्म गोत्र भी आप उच्चारित कर सकते हैं। विवाहित महिलाओं को, माताओं बहनों को अपने पति पक्ष का यानी पति के घर का गोत्र बोलना चाहिए और कुमारी कन्याओं को अपने पिता पक्ष यानी पिता के घर का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सबांधवस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे योगिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण नियमों के साथ पूरे विधि विधान का पालन करते हुए मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, अज्ञानी बालक जान करके क्षमा प्रदान कर देना। और इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प प्रारंभ हो जाएगा और आपको एकादशी के दिन अपने निवास स्थान में देवघर में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन होता है तो उस विधि से आप पूजन अर्चन करें, अन्यथा यदि नहीं भी होता है तो भी आपको विशेष रूप से इस दिन प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है। यदि आपके मन में ऐसी कुछ भावना है या धारणा है तो एक दिन पहले आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और तुलसी जी में जल भी देना चाहिए, इसका कोई दोष नहीं लगता है। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें, यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु खिलाएं।
लेकिन एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार करें। एकादशी में आप फलाहार, गाय का दूध या दूध से बनी वस्तु या सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन मूंगफली दाना, साबूदाना, आलू या अन्य जो भी फल होते हैं या फलाहार की वस्तुएं होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही इसमें उपयोग करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा दिन में यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करके, पूजन पाठ करके, ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब हम ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो हमको नारायण के मुख से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। यदि संभव हो तो अगले दिन द्वादशी के समय जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। और एकादशी तिथि यदि समाप्त भी हो जाती है तो भी अगले दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी तिथि लगने के बाद यदि दशमी उस दिन है तो उस दिन आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। अन्न खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार को है, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी बुधवार को सुबह सूर्योदय तक व्रत जारी रहेगा। उसके बाद ही आप व्रत का पारणा करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय, काफी, दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और एकादशी के दिन आपको कोई भी पाप कर्म, गले कर्म, अनैतिक कर्म, गलत कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जितना हो सके इस दिन दान पुण्य करें। एकादशी के दिन जो कोई मनुष्य गौ दान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन जो कोई मनुष्य अन्न दान करता है या फिर दक्षिणा का दान करता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट या संकट है तो वो समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का जो व्रत है वो प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत यदि आपका 26 पूर्ण हो गया है यानी आपने 26 एकादशी कर ली है उसके बाद आपको उद्यापन अवश्य करवा देना चाहिए। अधिक भी हो गई है तो भी आप उद्यापन करवा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में, अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के द्वारा करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने घर में भी उद्यापन करवा सकते हैं, मंदिर में, आश्रम में, देवालय में, शिवालय में एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जब आप उद्यापन कर देंगे तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद आप स्वेच्छा से चाहें तो एकादशी व्रत करें या न करें, कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो भिनय दुस्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फुल्लिन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा में बताया हुआ है एक समय की बात है धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा आपके मुखारविंद से सुनी।
अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है, क्या विधि है और इस व्रत की कथा क्या है, मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान श्री शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन किया करता था। हेम नामक एक माली पूजन के लिए उस राजा के यहां पुष्प उपलब्ध करवाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दो पहर तक राह देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि दोपहर का समय आ चुका है और अभी तक वह पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे अपने पास बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोड़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेमाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद दाग यानी कोड़ हो गई। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के माली ने बहान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के वह भटकता रहा, बहुत दुखी हो गया। रात को नींद नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की सारी यादें याद आ रही थी, सारा ज्ञान था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान दिखाई प्रतीत होता था। हे बाली उनके चरण पकड़ के उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसे कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हे बाली ने सारा वृत्तांत कह करके उन्हें सुनाया। यह सुनकर के ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक सुंदर व्रत तुझे बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर के हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ में उठाया। हेमाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत जो कोई भी मनुष्य करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष पद की वैकुंठ लोक की स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा अस करु मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहुं दयामय किस विध मिलहुं दयामय तुमको में सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः हरिः अम्बा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नभो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं भैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यम् महाराजमाधिपत्यमयं समन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमाः सर्वायुषान्तार्धा परार्धात् दिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदपेशश्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसान गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदीति ॐ विश्वतच्चक्षुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहृतो स्वासम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयेत् देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव बोलिए श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बाल कृष्णलाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों के आनंद की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों अगर आप योगिनी एकादशी व्रत कथा के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं गोदान अन्नदान वस्त्रदान तिलदान या कोई भी दान पुण्य योगिनी एकादशी के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।